एवीएनएल के भ्रष्ट जेएन प्रवीण शर्मा को पहुंचाया जेल, शुक्रवार को फंसा था एसीबी के जाल में, 7,000 की रिश्वत लेते हुआ रंगे हाथ गिरफ्तार। बिजली का मीटर जल्दी लगाने के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ एवीएनएल के जेएन प्रवीण शर्मा को अदालत के आदेशों के बाद जेल भेजा गया। जेएन प्रवीण शर्मा ने लोहाकान के रहने वाले देवेंद्र सिंह राठौर नाम के एक उपभोक्ता से बिजली का मीटर जल्दी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने रिश्वत की मांग की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे दी। एसीबी अधिकारियों ने मामले की पुष्टि होने के बाद अपना जाल बिछा दिया। शुक्रवार को पीड़ित उपभोक्ता लोहाकान निवासी देवेंद्र सिंह राठौर रिश्वत के नाम पर 7,000 रुपये लेकर एवीएनएल के दफ्तर पहुंचा, जहां सादी वर्दी में पहले से मौजूद एसीबी के अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही जेएन प्रवीण शर्मा रिश्वत के 7,000 रुपये लिए, एसीबी अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। कल हमने प्रवीण शर्मा नाम के एक एवीएल के कर्मचारी, जो वास्तव में टाटा पावर का कर्मचारी है, उसे रिश्वत लेते हुए 7,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध देवेंद्र सिंह और मनोहर सिंह नाम के दो बेरोजगार युवाओं ने शिकायत की थी कि वो अपना व्यवसाय करना चाह रहे थे और उसके यहाँ बिजली का काम चल रहा था फर्नीचर का। इस दौरान आके उसने धमकाया और पैसे की मांग की। हमने शिकायत पर उसका सत्यापन किया जो सही पाई गई और कल हमने टेप का आयोजन किया। प्रवीण शर्मा को हमने 7,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वो टाटा पावर का कर्मचारी है। आज हमने उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से उसे 23 तारीख तक के लिए न्यायिक अवरक्षा में भेज दिया गया है। हेलो, आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है कि यदि कोई किसी राजकीय लोक सेवक से जनता परेशान है, उसे उत्पीड़ित कर रहा है, पैसे मांग रहा है, अत्यधिक परेशान कर रहा है, तो हमारे पास आए, उसकी शिकायत करें बिना किसी झिझक के, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें।